उधर बिहार के पटना में बाबा बागेश्वर की कथा का कार्यक्रम सोमवार को भी जारी रहा। हालांकि सोमवार को दिव्य दरबार की बजाय सिर्फ हनुमंत कथा ही हुई, लेकिन इन सबके बावजूद कार्यक्रम में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। बिहार के पटना में बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार ना लगाने का ऐलान भले ही कर दिया हो, लेकिन बावजूद इसके उनके कार्यक्रम में शामिल होने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। सोमवार को भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे। श्रद्धालुओं को कथा सुनाते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की ज्वाला जलेगी। जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि भारत में रहने वालों को सीताराम कहना होगा। अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। इससे पहले रविवार को बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भारी भीड़ पहुंचने की वजह से काफी परेशानी होने लगी। खुद बाबा को मन से ऐलान करना पड़ा कि जिन लोगों से हो सके वो घर पर बैठकर या फिर मोबाइल में ही कार्यक्रम देख लें।